ये सबसे पहली वीडियो में आप देख सकते हैं इसका टाइटल रखा हुआ है, सिद्धू ने बताया आखिर क्या हुआ उस दिन, सिद्धू की आत्मा की बात इन द फ्यूचर हिस्ट्री। और सिद्धू मूसेवाले भाई की ये आत्मा दिखा रहे हैं कि हमने सिद्धू मूसेवाले भाई की आत्मा को बुलाया है। तो ये वही सीन जो स्टार्टिंग में दिखाया है वही बार बार दिखाया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाले भाई की आत्मा दिखाई गई है, वो आगे विंडो पे आके बैठ गई और फिर और एक्टिंग देखो कितने घटिया लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं। और ये अभी पीछे पीछे जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाले भाई की आत्मा जो इन्होंने बुलाई है उनके पीछे जाके चेक कर रहे हैं कि वो आत्मा कहां भाग गई है। तो मजाक बना के रखा हुआ है भाई इन लोगों ने सिद्धू मूसेवाले की डेथ को। दोस्तों आप देख सकते हैं अशोक भाई यही बैठे भाई क्या था मेरे को पढ़ा रहा है सिद्धू भाई ये पे बैठे सिद्धू भाई। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले के भाई को वाजे भी मार रहे हैं कि इनके आवाज मारने पे वो दोबारा आ जाएगा। इनका खुद का ही बंदा है जो इन्होंने बिठाया हुआ था और बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से ये इंसल्ट कर रहे हैं भाई। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ, आपको मैं दूसरी वीडियो दिखाता हूँ इनकी और बहुत से लोगों ने वीडियो डाली हुई है। ये भी एक और वीडियो है, ये वीडियो देखो जरा इसकी। इसमें लिखा सिद्धू की आत्मा का क्या कहना चाहती थी, सिद्धू की आत्मा से बात, सिद्धू भाई की आत्मा से बात कर रहे हैं और वही इनका गड्डिया लेवल का एक्टर है जो उसको खड़ा किया हुआ है जो पिछली वीडियो में था और वो एक्शन कर रहा है सिद्धू मूसेवाले का। और इतनी तो भी आपने ये वीडियो में देखा भाई इन्होंने ये वो दोनों बंदे इन्होंने एक वीडियो बनाई उसपे इनको अच्छे खासे व्यू आ गए, फिर उन्होंने एक और वीडियो बना दी और अपना ही वो पुराना सा घटिया सा दोस्त उसको खड़ा किया हुआ है, वो सिद्धू मूसेवाले का एक्शन कर रहा है और अपने आप को सिद्धू मूसेवाला समझ रहा है। और मेरे हिसाब से इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए क्योंकि तो एक तो ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और ऊपर से ये इंसल्ट भी कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाले की। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोज हैं, अभी आपको एक और वीडियो दिखाता हूं मैं। इसका टाइटल देखो कितना गलत लिखा हुआ है, सिद्धू मूसेवाला चुड़ैल की आत्मा को बुलाना। सिद्धू मूसेवाले को चुड़ैल कहा गया है इस वीडियो के टाइटल में और ये आप देख भी सकते हैं कि जो ग्राउंड में बैठ गया वही घटिया सा सीक्रेट डिग्रेड मूवी का लगाया हुआ म्यूजिक जो पुरानी हॉरर मूवी हिंदी मूवीज में आता था वही म्यूजिक लगाया हुआ है इसके पीछे। और ये बाबा कहीं से पढ़ के लेके आ गए जहां इनका खुद का ये बाबा बना हुआ है या एक किसी को इसने मांगने वाले को पकड़ के बिठा लिया है और उसे बोला है कि ऐसे ही हमने एक्टिंग करनी है और वीडियो बनानी है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस वीडियो में ये आ रहा है कि इन लोगों ने सिद्धू मूसेवाले भाई को चुड़ैल तक कह दिया है अपनी वीडियोस में व्यूज लेने के चक्कर में। तो अभी आपको अगली वीडियो दिखाता हूँ, एक और वीडियो है इनकी, एक अगली वीडियो आपको दिखाता हूं मैं। इसमें टाइटल रखा है इन्होंने सिद्धू मूसेवाले की आत्मा को बुलाना पड़ा भारी। और ये एक्टिंग देखो यार, इतनी घटिया एक्टिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी कभी, इतने घटिया लेवल की एक्टिंग। और ये साथ में गन भी रखी हुई है जो सिद्धू मूसेवाले के पास जो माउंटेड गन थी उससे मिलती जुलती गन इन्होंने दिखाई है कि सिद्धू मूसेवाला खुद नहीं आया, सिद्धू मूसेवाले की गन आई है बात करने के लिए। इसमें लिखा ना सिद्धू मूसेवाले की आत्मा को बुलाना पड़ा भारी, अब भारी इनको बहुत पड़ने वाली है ये चीज, जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी ना फिर असली भारी पड़ेगा इनको, फिर इनको अपनी गलती का एहसास होगा क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, किसी ने भी इस चीज के ऊपर बात नहीं की कि इतनी ज्यादा ये लोग इंसल्ट कर रहे हैं एक इतने बढ़िया जो एक सिंगर थे जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में इतने बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स लेके आए। लेकिन अब अगली वीडियो आपको दिखाता हूं मैं, इसमें क्या टाइटल इसने रखा हुआ है सिद्धू मूसेवाले की आत्मा को बुलाया। और ये 13-14 साल का बच्चा जिसको अगर
कोई रात में कोई जमीन में पैर भी मार दे तो ये भागता हुआ रुकेगा नहीं, अपने घर तक भागता हुआ जाएगा। और ये बैठा हुआ है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है, जमीन में मोमबत्तियां लगाई हुई है और पीछे अपना ही कोई बंदा खड़ा कर दिया है और उसे सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को बुला दिखा दिया। तो भाई ये चीजें कोई कैमरे पे थोड़ी ना रिकॉर्ड होती हैं या दिखती थोड़ी ना किसी को, अगर ऐसे दिखने लगे तो आपको पता नहीं यहाँ पे कितनी आत्माएं होती हैं आसपास, तो बंदों को सारा दिन यही कुछ ही नजर आता रहेगा। तो अगली वीडियो दिखाता हूँ अभी आपको मैं, इसका टाइटल रखा है सिद्धू मूसेवाला स्पिरिट। सिद्धू मूसेवाला की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। हजारों आत्माओं ने बताई वजह, हजारों आत्माएं आ गई वहां पे और उन्होंने वजह बताई कि सिद्धू मूसेवाले की मौत क्यों हुई है। और ये तो मुझे कुछ और ही सीन लग रहा है भाई, मोमबत्तियां लगाई, गुलाब पे फूल फेंके हुए है, सिद्धू मूसेवाले की फोटो लगाई हुई है और म्यूजिक बहुत घटिया लेवल का यूज करते हैं भाई। पता नहीं ऐसे लोग भी यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत हैरानी वाली बात है कि ऐसे लोग हजारों आत्माओं से सवाल जवाब, सिद्धू सर को बावर पूर्ण श्रद्धांजलि। तो अभी अगली वीडियो आपको दिखाता हूँ, अगली वीडियो में इन्होंने क्या किया, ये क्या लिखा है इसमें, वही वो गटिया वाले लोग जिन्होंने वो गलत वर्ड यूज किया, इसमें वही लिखा हुआ है सिद्धू मूसेवाला चुड़ैल की आत्मा को जब अघोरी बाबा ने अपने मठ पर बुलाया तो क्या हुआ था। वही कोई मांगने वाला इन्होंने बाबा पकड़ लिया जो मांगते फिरते सड़कों पे और उसको वीडियो में उठा के ले आए हैं ये, और ये अपने ही बंदों को एक्टिंग देखो कितनी बढ़िया लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं यार ये लोग, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एकदम से लड़ना शुरू कर दिया। और इसने टैटू बनाया हुआ है अपनी आंख पे और टैटू दिखाने का क्या मकसद था यार, ये मुझे समझ नहीं आया इस वीडियो में क्यों दिखाया गया। और ये बाबा की एक्टिंग देखना, इतनी सस्ते लेवल की एक्टिंग की है ना इसने, मैं बता नहीं सकता आपको कितनी घटिया एक्टिंग है इसकी। तो अभी एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ आगे, इसमें ये लिखा है पाजी की आत्मा से की जिनात्रों के सरदार ने बात, आखिर क्या हुआ था उस दिन हमारे जो पाजी है, तो अब ये बताएंगे आखिर क्या हुआ था उस दिन, हमें तो पता ही नहीं चला उस दिन क्या हुआ था, अब ये हमें बताएंगे क्या हुआ था। ये सिद्धू मूसेवाले की फोटो दिखा रहे हैं, फोटो इन्होंने रख दी है यहाँ पे, और ये वीडियो बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ मजेदार है, आप लोगों ने हंसना नहीं है बिल्कुल भी। अभी ये बोलेंगे कि यहाँ पे पता नहीं किसी बाबे का नाम लेंगे कि उसकी आत्मा अगर यहाँ पे है, पहले वो आए हमारे अंदर, फिर वो आके वो हमें सिद्धू मूसेवाले की आत्मा को बुलाने के लिए लेके जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा घटिया लेवल की स्क्रिप्ट लिखी हुई है इन लोगों ने, अभी आगे इनकी एक्टिंग देखना कितनी सस्ती एक्टिंग करते हैं ये। आत्मा को शांति देने के लिए 2 मिनट का मौन व्रत भी रखेंगे हम, तो शाहरुख अच्छा 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे, शाहरुख नाम का बंदा 2 मिनट का मौन व्रत रखेगा, आगे कर लेते हैं इनके मौन व्रत को थोड़ा सा। आपको लोगों की डिमांड के चलते मैं ये जो भी कर रहा हूँ, बस ये चाह रहा हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले, अल्लाह भगवान। तो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि सिद्धू मूसेवाला उसकी आत्मा को शांति मिले और उसका दोबारा जन्म हो जाए, दोबारा फिर से सिंगर एक और पैदा हो जाए, ये इसलिए कर रहा है ये, और हमारे बीच ऐसे किसी की आत्मा को शांति दी जाती है भाई, मजाक उड़ा के उनका उनकी फोटो रख के वीडियो बना के मोमबत्तियां रख के, कोई ऐसे कुछ होता है यार यहाँ पर, कोई है जो आप हमें अपने होने का। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाले का जो वेट है वो 100 किलो से ज्यादा है और इन्होंने कोई 30-40 किलो का बच्चा पकड़ के उसको सिद्धू मूसेवाला बनाया हुआ है, ये देख के साफ पता चल रहा है कि ये वीडियो बिल्कुल ही फेक है। अभी आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं जो सिद्धू मूसेवाला अपने ट्रैक्टर के ऊपर स्टंट करता होता था, तो वही चीज को दिखाया गया है इस वीडियो में और सीट को खाली रखा गया है। तो कोई भी अगर किसी ने वैसे ये वीडियो बना दिया तो इस वीडियो को उस चीज से जोड़ के कैसे आप देख सकते हैं कि व्यूज लेने के चक्कर में सिद्धू भाई का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जितने भी बंदों ने ये वीडियो बनाई है उन लोगों को मेरी अभी मैं आप लोगों को प्यार से बोल रहा हूँ, अपनी वीडियोस को डिलीट कर दो जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर मुझे मजबूरन तुम लोगों के ऊपर एक तो अंधविश्वास फैलाने पे, दूसरा सिद्धू मूसेवाले की इंसल्ट करने पे तुम लोगों के ऊपर मैं कार्रवाई सख्त से सख्त करवाऊंगा और ये कार्रवाई होके रहेगी।